के साथ। विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने गिरिनगर कॉलोनी बिरदोपुर में स्थित कैलाश मठ में जन समस्याओं के समाधान हेतु चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के सिवाय नगर निगम, जलकल, जल निगम, डूडा, समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग आदि सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। चौपाल प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के नागरिक चौपाल में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराए। विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहले स्वयं उनकी समस्या की जानकारी लेते थे, फिर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के सुपुर्द कर देते थे। साथ ही साथ समाधान की जानकारी लेने के लिए शिकायतकर्ता का नाम, नंबर व समस्या भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नोट भी किया गया। चौपाल में आए पत्रकारों को विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के मूल में यह था कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है और उसे इतना मजबूत करना है कि वह समाज की मुख्य धारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चल सके। इस कैंप में मूलभूत सुविधाओं के संयोजन में आने वाली समस्याओं के समाधान के साथ साथ सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं को दूर कर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण विभिन्न विभागों द्वारा कराया गया है। बहुत लाभप्रद है, इससे घर आप कह सकते हैं सरकार जनता के द्वार, ये इस कैंप का नाम होना चाहिए। और मैं निरंतर इस तरह के कैंप अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाता हूँ। कोरोना काल में बीच में संभव नहीं हो पा रहा था, अब कोरोना थोड़ा ढीला पड़ा है तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर इस तरह के कैंप्स का आयोजन करते हैं। चौपाल में विधायक के साथ प्रमुख रूप से उपस्थित थे भाजपा के महानगर मंत्री किशन कन्नौजिया, शिवा वर्मा, सुभाष सोनकर, लता चांडक, संजय कुशवाहा, संतोष वर्मा, विजय गुप्ता, मनोज सोनकर, सुमुख गुप्ता, मनोज सोनकर, मुन्ना अग्रहरी, राजेश वर्मा व अन्य लोग शामिल थे। सच के साथ।